তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰত ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত আহত হৈছে এগৰাকী সাংবাদিক। দুৰ্ঘটনাৰ গুৰুতৰভাৱে আহত সাংবাদিক পৰাগ ভূঞা, কাকপথাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি পৰাগ ভূঞা, তিনিচুকীয়া জিলা সাংবাদিক সন্থাৰ উপসভাপতি ভূঞা, এটা ব্যক্তিগত চেনেলৰ সাংবাদিক পৰাগ ভূঞা। কাকপথাৰ স্থিত ভূঞাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ভূঞাক ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। পুনৰ কৈছো, তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰত ভয়াবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত আহত হৈছে এগৰাকী সাংবাদিক। দেশৰ মহিলা বিজেপিৰ নীৰৱ সমৰ্থক বিহাৰ নিৰ্বাচনক লৈ ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। বিহাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল প্ৰকাশৰ পিছত বুধবাৰে সন্ধিয়া দিল্লীৰ বিজেপিৰ সদৰত অনুষ্ঠিত হয় বৃহৎ সভা। এই সভাত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। ইফালে বিজেপি দলৰ কৰ্মকৰ্তাক মাৰিলে হাৰি যাব, বিৰোধীকে সতৰ্কতা জাৰি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ মই জানো জনতাই বিৰোধীক উত্তৰ দিব। रणनीति का भी परिणाम है। नड्डा जी को जितने लोकतंत्र के इस महान पर्व को हम सभी ने मिलकर बहुत उत्साह से मनाया है, चुनाव भले ही कुछ सीटों पर हुआ हो, कुछ क्षेत्रों में हुआ हो, लेकिन कल सुबह से लेकर देर रात तक पूरे देश की नजरें टीवी पर थी, ट्विटर पर थी, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थी। लोकतंत्र के प्रति हम भारतीयों की जो आस्था है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चुनाव नतीजों में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन चुनाव की ये प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। इसलिए पूरे देश को बधाई देता हूं, कोटि कोटि देशवासियों का धन्यवाद करता हूं। इस चुनावों को सफलतापूर्वक शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग, देश के सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन भी बधाई के पात्र है। कुछ चीजें तो हम देश में भूल गए हैं। आपको पता होगा, पहले जब चुनाव होते तो दूसरे दिन क्या खबर आती थी, हेडलाइन, इतने बूथ लूट लिए गए, इतने बूथ में रिपोलिंग होगा। आज हेडलाइन होती है, पहले से इतना परसेंटेज पोलिंग बढ़ा, पुरुषों से महिलाओं का पोलिंग बढ़ा, पोलिंग बूथ से व्यवस्थाओं से लोग, यानी पुरानी चीजें। बिहार में चुनाव मतलब इतने लोग मारे गए, इतने बूथ लो, यही खबरें रहती थी। एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग न होना, शांतिपूर्ण मतदान होना, और कोरोना के कारण मतदान कम होगा, ये सारी आशंकाओं को जहां जहां चुनाव हुआ लोगों ने निरस्त कर दिया। यही तो देश की ताकत है।